सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र की आपत्ति को खारिज करते हुए सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने की फिर से सिफारिश की। कोर्ट ने कहा, कॉलेजियम ने सौरभ कृपाल की नियुक्ति के लिए 11 नवंबर 2021 की सिफारिश दोहराई है। उनकी नियुक्ति 5 साल से लंबित है, इस पर तेजी से निर्णय लेने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं कौन है सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल। सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल पूर्व चीफ जस्टिस बीएन कृपाल के बेटे हैं। आपको बता दें, सौरभ गे हैं और उनके पार्टनर स्विस नागरिक हैं। सरकार के ऐतराज की क्या है वजह? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के मुताबिक सौरभ का जज के रूप में नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार की 2 आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति उनके स्विस पार्टनर को लेकर है और दूसरी ये है कि वो अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को खुले तौर पर स्वीकार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। कॉलेजियम का कहना है कि हर किसी को अपने मन मुताबिक सेक्सुअल ओरिएंटेशन रखने का अधिकार है। जज के तौर पर उनकी नियुक्ति बेंच में विविधता लाएगी। आपको बता दें, अगर केंद्र सरकार कॉलेजियम की सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब कोई गे जज बनेंगे।